जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है, मानव कंकाल तंत्र, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है, मानव कंकाल तंत्र होता है, यह दो पार्ट में विभाजित होता है। कौन कौन से पार्ट में? दो पार्ट में। एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एक होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? बाह्य, मतलब जो हमें बाहर से दिखाई दे, बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र। और यह कैसा होता है? यह होता है आंतरिक कंकाल तंत्र, मतलब जो हमें दिखाई ना दे, आंतरिक कंकाल तंत्र। यह हमारे बॉडी के अंदर में पाया जाता है, आंतरिक कंकाल तंत्र। तो स्केलेटन सिस्टम दो होते हैं, एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एक होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सोस्केलेटन सिस्टम के बारे में जानते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है? तो इसमें हम लोगों का आता है नाखून। क्या आता है? नाखून आता है। और जो गाय भैंस होते हैं उनके सींग जो होते हैं वो इसी में आते हैं। फिर इसके बाद आता है उनका खुर। और क्या आता है? जो आर्थोपोडा के इंसेक्ट होते हैं, जो आर्थोपोडा संघ के इंसेक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है? जैसे काकरोच हो गया, काकरोच, तो इसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? काइटिन का। तो इसका जो कंकाल तंत्र होता है, जो काकरोच होता है, जो इसका कंकाल तंत्र होता है, किसका? काकरोच का। इसका कंकाल तंत्र कैसा होता है? बाह्य कंकाल तंत्र होता है। बाह्य कंकाल तंत्र के इतने पार्ट होते हैं, एक होता है नाखून, सींग, खुर। इसके बाद जो आर्थोपोडा, जो आर्थोपोडा जीव के संग संग के जीव होते हैं, उसका जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट में कौन आता है? काकरोच आता है। जो काकरोच का कंकाल बना होता है, जो बाह्य कंकाल होता है, वह जो कंकाल होता है वह कैसा होता है? वह बाह्य कंकाल होता है। एक जो स्केलेटन सिस्टम होता है तथा जो उसका बाह्य कंकाल बना होता है वह किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। हमें केवल एक्सोस्केलेटन सिस्टम में इतना ही पढ़ना है। इस एक्सोस्केलेटन सिस्टम में हमारे नाखून आते हैं, सींग आता है, खूर आता है, और जो आर्थ्रोपोडा संघ का इंसेक्ट है जिसका नाम है काकरोच, उसका जो आवरण है, जो कंकाल तंत्र है, वह बाह्य कंकाल तंत्र है, और जो आवरण है वह काइटिन का बना होता है। तो इतना हम लोग जान गए एक्सोस्केलेटन सिस्टम में। एक्सोस्केलेटन सिस्टम में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। अब आइए हम लोग एंडोस्केलेटन सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो जो एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है दो टाइप का होता है। एक होता है इसमें कुछ सम, कुछ उपास्थि वलय पाई जाती हैं, कुछ उपास्थियां, कुछ उपास्थियां, जिसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज, जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। और क्या पाया जाता है? 206 बोन्स पाई जाती हैं, 206 बोन्स पाई जाती हैं। जो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं वह एंडोस्केलेटन सिस्टम, मतलब हमारे शरीर के अंदर होती हैं। और जो ये सब खूर, सींग, नाखून, ये सब पाए जाते हैं हमारे शरीर के बाहर वाले कंकाल तंत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोगों का क्या आता है? कुछ उपास्थियाँ, सम कार्टिलेज आते हैं, एंड 206 बोन्स आते हैं। तो इतना होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम में। आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आइए अब आगे चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? कार्टिलेज के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग एंडोस्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोस्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने जान लिया। तो जो एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम, या दो होता है। पहला क्या होता है? एक होता है कार्टिलेज, उपास्थि, और क्या होता है? 206 बोन्स पाए जाते हैं, 206 बोन्स। तो इसमें हम लोगों को पहला पढ़ना है क्या? कार्टिलेज। तो पहला हम लोगों का क्या है? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है? जिसे हम लोग तोड़ मरोड़ सकते हैं तथा उसमें दर्द भी ना हो,
इसके साथ साथ तोड़ने मरोड़ने पर भी वह अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे यह हमारा कान है, इसे हम लोग ऐसे तोड़ मरोड़ सकते हैं चाहे जैसे करें, लेकिन छोड़ने के पश्चात यह पुनः अपनी अवस्था में आ गया। हमारा नाक है, चाहे हम लोग इसको ऐसे वैसे ऐठें, लेकिन कुछ समय के पश्चात यह अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो वह उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। मतलब यहाँ क्या होता है, तोड़ने मरोड़ने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, अवस्था में आ जाए तो उसे कार्टिलेज कहते हैं, तो उसे कार्टिलेज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा नाक हो गया, कान हो गया इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। जो इंडोस्केलेटन सिस्टम का जो कार्टिलेज होता है वह यह होता है कि इसे तोड़ने मरोड़ने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, नाक है और कान है। तो आइए अब हम लोग जो 206 बोन्स मेन, अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं, अब आइए हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। तो हमने कार्टिलेज के बारे में जान लिया, अब आइए हम लोग जो 206 बोन पाई जाती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जो दूसरा है हम लोगों का 206 बोन, यह दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है अपलेंडिकुलर बोन और दूसरा क्या होता है एक्सियल बोन। इसमें कितनी हड्डी पाई जाती हैं, इसमें 126 हड्डी पाई जाती हैं और एक्सियल बोन में 80 हड्डी पाई जाती हैं। इसमें 126 बोन पाई जाती हैं, इसमें 80 बोन पाई जाती हैं। इसके अंदर कौन कौन सा आता है, तो इसके अंदर जो अपलेंडिकुलर बोन होता है इसके अंदर चार प्रकार की हड्डियां आती हैं। तो जो अपलेंडिकुलर बोन होता है इसके अंदर चार हड्डियां पाई जाती हैं। एक होता है अपर लिंब, एक होता है लोअर लिंब, एक होता है पेक्ट्रोल ग्रिडल और एक होता है पेल्विक ग्रिडल। जो अपेंडिकुलर बोन होता है इसमें चार प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। पहला होता है अपर लिम, दूसरा क्या होता है लोअर लिम, तीसरा क्या होता है पेक्ट्रोल ग्रिडल, चौथा क्या होता है पेल्विक ग्रिडल। और जो हमारा एक्सियल बोन होता है इसमें भी चार प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, या चार प्रकार के हड्डियों का समूह होता है। इसमें पहला होता है स्कल खोपड़ी, दूसरा कौन होता है वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा क्या होता है स्ट्रम, चौथा क्या होता है रिप्स। ये सब इसके पार्ट हैं। अपलेंडिकुलर बोन कितने टाइप में होता है, चार, अपर लिम, लोअर लिम, पेट्रोल गिडल एंड पेल्विक गिडल। और जो एक्सियल बोन होता है वह कितने में होता है, चार, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्ट्रम एंड रिप्स। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। तो जो अपलेंडिकुलर का पहला वाला पार्ट है अपर लिम, इसमें 30 हड्डियां पाई जाती हैं। अभी आइए हम लोग इसके बारे में बाद में जानेंगे, अब आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक के बारे में। तो पहला जो अपलेंडिकुलर बोन है और एक्सियल बोन है, तो पहले हम लोग अपलेंडिकुलर बोन को पढ़ेंगे फिर इसके बाद एक्सियल बोन को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपलेंडिकुलर का जो पहला वाला है, पहला क्या है अपलेंडिकुलर हम लोग पढ़ेंगे, अपलेंडिकुलर बोन।
इसकी टोटली संख्या 126। इसमें जो पहला है वह क्या है? अपर लिंब का एग्जाम्पल क्या होता है? हमारा हैंड होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड। जो हमारा हैंड यहां से लेकर यहां तक है यह किसका एग्जाम्पल है? अपर लिंब का। तो आइए इसका हड्डी के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी एक हड्डी होती है, जो हैंड होता है इसमें यहां से लेकर यहां तक एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमरस, और जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का ह्यूमरस बोन हो गया, यह कौन सा है? एक बोन है, इसका क्या नाम है? ह्यूमरस। यह क्या है? ह्यूमरस। अब इसी से दो हड्डियां जुड़ी रहती हैं, एक का नाम होता है अल्ना, एक का नाम होता है रेडियस। जो अल्ना होता है वह अंदर की तरफ होता है, जो रेडियस होता है वह बाहर की तरफ होता है। जो अल्ना होता है वह पतला होता है और अंदर की तरफ होता है, जो रेडियस होता है वह मोटा होता है, बाहर की तरफ होता है। तो आइए हम लोग उसकी संरचना को बनाते हैं। यह क्या हो गया अल्ना और यह क्या हो गया? रेडियस। ये दो हड्डियां हैं, अल्ना जो होता है पतला होता है और इनसाइड अंदर की तरफ पाया जाता है, और जो रेडियस होता है वह मोटा होता है, आउटर साइड बाहर की तरफ पाया जाता है। अब यहां तक हो गया, हमने ह्यूमरस को जान लिया और अल्ना व रेडियस यहां पर पाए जाते हैं, जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ इसे अल्ना बोलते हैं, और यहां पर जो हड्डी है इसे रेडियस बोलते हैं, और यहां से लेकर यहां तक की हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं, और यहां से लेकर यहां तक की हड्डी को अल्ना व रेडियस बोलते हैं। यहां से यहां तक दो हड्डियां पाई जाती हैं, एक हड्डी होती है अंदर की तरफ जिसे अल्ना बोलते हैं, एक हड्डी होती है बाहर की तरफ जिसे रेडियस बोलते हैं। अब हम लोग यहां पर हम लोगों में कॉर्पस पाया जाता है। कॉर्पस यहां पर कंचेनुमा संरचना होती है जिनकी संख्या 8 होती है। तो आइए हम लोग उसे बनाते हैं। तो अब यहीं पर ऐसे कंचेनुमा संरचना में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, छोटे छोटे से गोली नुमा होते हैं, 8 हड्डियां होती हैं। इसका नाम है कार्पस। और इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 8 है, और जो रेडियस है, रेडियस की संख्या होता है 1, और जो अल्ना है इसका संख्या होता है 1, और जो ह्यूमरस होता है इसका संख्या होता है 1, और जो कार्पस है इसकी संख्या 8 है। यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर ऐसे कंचेनुमा ऐसे संरचना होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो ये हड्डियाँ निकले हुए हैं ना, यही है, ये जो यहाँ पर निकला हुआ है, उभरा हुआ है, यही है कार्पस। अब इसके बाद यहाँ से मतलब मान लीजिए कार्पस हो गया, अब यहीं पर ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्पस हुआ, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे मान लीजिए ये हड्डी है और ये हड्डी है और ये है और ये है और एक हड्डी यहाँ पर है, या ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हड्डी है इसका नाम मेटाकार्पस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यह कार्पस है, और यह यहाँ तक ये जो 5 हड्डियाँ हैं इसका नाम है मेटाकार्पस। तो मेटाकार्पस जो है इसका संरचना कुछ ऐसे है, मान लीजिए जैसे अंगूठे का हो गया या मेटाकार्पस, तो यह अंगूठा हो गया। जैसे मान लीजिए अंगूठे का है मेटाकार्पस, यह हमारी पहली उंगली का है, यह दूसरी का, 5 मेटाकार्पस होंगे क्योंकि उंगलियों की संख्या 5 है, तो इसी से मेटाकार्पस से ही तो उंगलियाँ मिलकर बनी होती हैं। तो यह हो गया 5 मेटाकार्पस। यहाँ तक जैसे हम लोग इसको मोड़ ले और यहाँ से 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसे क्या बोलेंगे? मेटाकार्पस बोलेंगे। तो यह मेटाकार्पस हो गया। अब मेटाकार्पस के बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 पोले हैं, 1, 2, 3, इसका नाम क्या? फ्लैजलेस। क्या नाम है? फ्लैजलेस।
एक दो तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, और दो हमारे अंगूठे में है, एक दो। तो आइए हम लोग इसकी संरचना को बनाते हैं। नहीं, अंगूठा में दो है, एक है दो, और इन सब में तीन तीन होते हैं। तो आइए बनाते हैं। तो यह हमारा अंगूठा है, तो अंगूठे में इसकी संख्या कितनी होती है? दो फ्लैजिलेज की। इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है मेटाकार्पस, मेटाकार्पस, मेटाकार्पस। और टोटली इसमें कितने बोन है? पांच है, तो इसकी संख्या हो जाएगा पांच। फिर इसके बाद इसके नीचे आते हैं, तो यहाँ पर बना होता है फ्लैजलेट, तीन ऐसे ये जो पोल हैं, एक दो तीन, तो ये पोल इसमें ऐसे होते हैं। ऐसे होते हैं। इसमें जो अंगूठा है यहाँ पर केवल दो पाए जाते हैं, इन सभी में तीन तीन, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्लैजिलेस, फ्लैजिलेस। और इसकी संख्या कितना होता है? तो तीन, इस इन सभी में तीन तीन है, तीन छह नौ बारह दो चौदह, तो इसकी संख्या टोटली कितना होता है? चौदह होता है। तो अब जो यह बोन होता है इसमें पूरा, यह पूरा जो है इतना पूरा यह अपर लिम्ब का भाग है, इतना पूरा जो है यह किसका भाग है? अपर लिम्ब का। और अपर लिम्ब में कितने हड्डियां पाई जाती हैं? तो एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, आठ तीन ग्यारह, पाँच सोलह, सोलह चौदह तीस। तो जो अपर लिम्ब होता है इसमें टोटली कितने बोन्स पाए जाते हैं? थर्टी बोन्स पाए जाते हैं, थर्टी बोन्स पाए जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हड्डी का नाम ह्यूमरस, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो हड्डियाँ अल्ला अंदर की तरफ, रेडियस बाहर की तरफ, फिर यहाँ से यहाँ पर आठ कंचनुमा संरचना पाए जाते हैं जिसका नाम कार्पस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पांच हड्डियाँ पाई जाती हैं जिसका नाम मेटाकार्पस, फिर यहाँ पर पोल्स होते हैं, यहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेस। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या पूरा होता है चौदह, इन फ्लैजिलेस की संख्या चौदह। तो यह पूरा हो गया अपर लिम्ब का पार्ट। अब आइए हम लोग लोअर लिम्ब के बारे में जानते हैं। अब इसमें बी वाला क्या है? लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब। इसका एग्जांपल क्या होता है? लेग, दोनों जो पैर होते हैं, लेफ्ट वाला भी एंड राइट वाला भी, इसका एग्जांपल होता है लेफ्ट। तो अब आइए लेफ्ट हड्डी के बारे में जानते हैं। तो जो लेफ्ट हड्डी होता है सबसे बड़ी, यहाँ जो कमर से लेकर यहाँ घुटने तक होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फीमर। तो आइए इस हड्डी को बनाते हैं। यह थोड़ा सा मोटा होता है, इसका क्या नाम है? फीमर। और इसकी संख्या एक होता है। फिर इसके बाद यहाँ से फीमर से दो हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं, एक का नाम है टीबिया और एक का नाम है फेबुला। यहाँ पर दो हड्डियाँ ऐसे जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? फेबुला, या अंदर की तरफ होता है और यह पतला होता है, और इसकी संख्या कितना होता है? एक होता है। और यहाँ पर पाया जाता है, यह वाला इससे मोटा होगा, या हो गया टीबिया, इसका संख्या एक। जो फेबुला होता है या अंदर की तरफ होता है तथा पतला होता है और मजबूत होता है,
और जो टीबिया होता है या बाहर की तरफ होता है और मोटा होता है, यह भी मजबूत होता है, लेकिन यह अत्यधिक मजबूत होता है और यह हमारे पैर में अंदर की तरफ पाया जाता है, हमारे पैर में बाहर की तरफ पाया जाता है, तथा इन्हीं को जोड़ने वाली यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है यहाँ पर, जिसका नाम है पटेला। जिसका क्या नाम है? पटेला। पटेला इसकी संख्या कितना होता है? एक होता है। तो यहाँ पर हो गया पटेला और यह हो गया टीबिया, यह हो गया फेबुला। अब इसके बाद अब इसके नीचे कंचेनुमा, जैसे हाथ में यहाँ पर कंचेनुमा कार्पस पाए जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर कंचेनुमा हड्डियाँ पाई जाती हैं जिसका नाम है टार्सेल्स। और इनकी संख्या यहाँ पर कितनी होती है? सात होती है, केवल सात होती है। क्या ऐसे एक के ऊपर एक बने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? केवल सात होती है। तो इनका क्या नाम है? टार्सेल्स। टार्सेल्स इनकी संख्या सात। फिर इसके बाद इसके नीचे फिर पैर जो होता है यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक, जैसे मान लीजिए यह अंगूठे का है या पहले अंगुली का है, दूसरे का या तीसरे का और या चौथे का, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेटा टार्सेल्स। मेटा टार्सेल्स इसकी संख्या कितना है? इसका संख्या है पाँच। तो टीबिया व फेबुला व टीबिया के नीचे कंचेनुमा संरचना पाए जाते हैं, जिससे हमारा एड़ी होता है जो ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं? टार्सेल्स। और जो टार्सेल्स होते हैं इनकी संख्या होता है सात। फिर इसके नीचे आता है मेटा टार्सेल्स। मेटा टार्सेल्स ही मिलकर पैर का निर्माण करता, जो ऐसे हम लोग रखते हैं जिसे पावली बोलते हैं, तो उसी का निर्माण यह करता है। फिर इसके आगे एक संरचना पाया जाता है, जो जैसे अंगुलियों में यहाँ पर ऐसे संरचना पाई जाती है, वैसे पैर में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी संरचना होती है, या मान लीजिए अंगूठे का है तो अंगूठे में दो पाया जाता है, और जो ये सभी इन सभी में तीन पाया जाता है, ऐसे रहता है। अंगूठा का थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि अंगूठा बड़ा होता है, और ऐसे इन सभी की ऐसा होता है। यह हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फ्लैजलेस। फ्लैजलेस और इनके संख्या कितना होता है? यहाँ पर तीन, चार में तीन तीन है तो बारह, दो चौदह, तो इनकी पूरी संख्या कितना होता है? चौदह। तो जो पैर की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, फीमर के नीचे दो हड्डियाँ, एक फेबुला एक टीबिया। फेबुला व टीबिया के जो फेबुला होता है अंदर की तरफ, टीबिया जो होता है बाहर की तरफ, तथा ह्यूमरस यहाँ फीमर, फीमर तथा टीबिया और फेबुला को जोड़ने वाली हड्डी का नाम पटेला। फिर इसके नीचे कंचेनुमा संरचना पाया जाता है जिसे बोलते हैं टार्सेल्स। टार्सेल्स के बाद जो पावली का निर्माण करता है उसे बोलते हैं मेटा टार्सेल्स। मेटा टार्सेल्स की संख्या पाँच, टार्सेल्स की संख्या सात। फिर इसके बाद आता है अंगुलिये का, अंगुलियों का जो पोल होता है उसे बोलते हैं फ्लैजलेस, उसकी संख्या कितना होता है? चौदह। तो जो लोअर लिम्ब होता है इसमें टोटली बोन की संख्या कितना हो गया? एक दो तीन चार, चार हो गया, और यहाँ पर पाँच चार नौ, और इतना पूरा मिला करके कितना हो जाएगा? तीस बोन हो जाएंगे। तो जो लोअर लिम्ब होता है इसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है? तीस होता है। अपर लिम्ब में तीस, लोअर लिम्ब में तीस। तो अब आइए इसके बाद इसमें हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तो अब अपेंडिकुलर बोन के हम लोग जो तीसरा पार्ट है उसका क्या नाम है? पेक्टोरल गिडल। उसका क्या नाम है? पेक्टोरल गिडल। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, पेक्टोरल गिडल। तो गाइस जो पेक्टोरल गिडल होता है इसमें दो हड्डी पाई जाती है, एक हड्डी का नाम है स्कैपुला, स्कैपुला, और दूसरी हड्डी का नाम क्या है? एक का नाम है स्कैपुला, दूसरी का नाम है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन जिसे ब्यूटी बोन के भी नाम से जानते हैं, इसे ब्यूटी बोन के भी नाम से जानते हैं।
तो जो पेक्टोरल गिडल होता है इसमें एक हड्डी होता है स्कैपुला और एक हड्डी होता है क्लेविकल बोन, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्यूटी बोन। तो अभी जो हम लोगों का जो यह होता है पेक्टोरल गिडल, एक यहाँ पर जो ऐसे उभरा हुआ संरचना है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसकी पूरी संख्या दो होती है, इसकी संख्या होता है दो। तो एक एक पेक्टोरल गिडल में, एक पेक्टोरल गिडल में कितनी हड्डियां, दो, तो दो पेक्टोरल गिडल में कितनी हड्डियां हो जाएंगी, तो पूरा हड्डी हो जाएगा चार। तो इसमें जो हड्डियों की संख्या होता है कितना होता है, चार होता है। जो पेक्टोरल गिडल होता है इसमें हड्डियों की संख्या चार होता है, एक हड्डी का नाम स्कैपुला, दूसरे का नाम क्लेविकल बोन, या इसे ब्यूटी बोन बोलते हैं। तो आइए इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक पेक्टोरल गिडल यहाँ पर है, एक पेक्टोरल गिडल यहाँ पर है, दो पेक्टोरल गिडल, एक पेक्टोरल गिडल में हड्डियों की संख्या दो, तो दो पेक्टोरल गिडल में हड्डियों की संख्या चार हो जाएगा। तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे हमारे पीठ पे यह उभरा हुआ रहता है, ऐसे होता है, या क्या है इस हड्डी का क्या नाम है, स्कैपुला, स्कैपुला। अब इसके बाद इसी से होते हुए यहाँ से स्कैपुला से होते हुए एक हड्डी ऐसे यहाँ पर आई है, स्कैपुला से होते हुए एक हड्डी यहाँ पर आई है, तो इसका क्या नाम है, स्पाइन। ऐसे यहाँ से उभरी हुई एक हड्डी आती है यहाँ पर, इसका क्या नाम है, स्पाइन। तथा अब यहाँ पर एक पहली हड्डी यह हो गई हम लोगों का स्कैपुला हो गया, स्कैपुला से ही स्पाइन हड्डी निकला हुआ है, जो स्कैपुला है ना वह आगे चलकर सकरा हो जाता है, तथा इससे एक हड्डी निकलती है जिसका नाम है स्पाइन। तथा यहाँ से हम लोगों को चेस्ट से यहाँ से ऐसे दो हड्डियाँ जाती है ना, एक इधर पेट्रोल गिडल की तरफ एक इधर, तो यहाँ से ऐसे एक हड्डी जो जाती है यहाँ से, इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन। तो यह जो क्लेविकल बोन है यह ऐसे सामने से आती है, मतलब यहाँ चेस्ट से होते हुए, तो ऐसे यह सामने से आती है यह बोन, तो इसका क्या नाम हो गया, क्लेविकल बोन, क्लेविकल, इसका क्या नाम हो गया, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन। तो यह स्कैपुला है, स्कैपुला से यहाँ पर स्पाइन एक हड्डी आई, यहाँ से क्लेविकल आई। अब ये दोनों जहां पर मिलेंगे, यहाँ पर ये मिलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे एक्रोमियम प्रोसेस। जहाँ पर ये मिलते हैं इसे बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस। फिर इसके बाद यहीं पर एक जो स्कैपुला हड्डी होता है, यहाँ पर एक खांच पाया जाता है जहाँ से हाथ की हड्डी आकर जुड़ती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, इसे बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। तथा यहाँ से जो हाथ की हड्डी होती है वह आकर जुड़ती है, हाथ की हड्डी है, इसका क्या नाम हो जाएगा, ह्यूमरस, इसका क्या नाम हो जाएगा, ह्यूमरस। तो अब यह स्कैपुला का एक हड्डी, स्कैपुला एक हड्डी हुआ, दूसरा हड्डी का नाम क्या हुआ, क्लेविकल। तो पेक्टोरल गिडल में दो हड्डियां पाई जाती हैं, जो पीछे की तरफ उभरा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्कैपुला। तथा यहां से एक हड्डी निकलती है स्पाइन, सामने से एक हड्डी जाती है क्लेविकल, जिसे ब्यूटी बोन बोला जाता है। ये दोनों यहाँ पर आते हैं, यहीं पर मिलते हैं, जिसे बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस। जहाँ पर ये मिलते हैं ठीक इसके नीचे यहाँ पर स्कैपुला में खांच पाया जाता है, जिसे बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। तथा यहीं से हमारे हैंड का ह्यूमरस वाला भाग यहाँ पर जुड़ा रहता है, तथा ऐसे ऐसे लोकोमोशन करता है, मोमेंटम करता है, लोकोमोशन नहीं, मोमेंटम करता है। तो गाइज अब यह स्कैपुला हुआ, जिस प्रकार से इस साइड की संरचना है ठीक उसी प्रकार से इस साइड की संरचना होगी, तो दोनों साइड की संरचनाएं समान होंगी तथा सेम बोन होंगे। तो एक क्रेम एक एक, एक पेट्रोल गिडल में हड्डियों की संख्या दो होती है, तो दो पेट्रोल गिडल है, टोटली संख्या उसकी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो इसमें टोटली चार हड्डियां पाई जाती है। इसके बाद इसमें इसका डी वाला है, जिसका क्या नाम है, पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, यह हड्डियाँ हमारे कमर में पाई जाती हैं, पेल्विक ग्रिडल। इसका जो संख्या है, इसका संख्या केवल दो है, और इसमें हड्डी का नाम क्या है, इसमें एक एक पेल्विक ग्रिडल के एक भाग में एक हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो दो भाग इसके होते हैं। आइए अभी चित्र के माध्यम समझाते हैं। तो इसमें हड्डी का नाम क्या है, कॉक्सल बोन,
जिसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, ये आगे की तरफ ऐसे खुली हुई तथा पीछे की तरफ ऐसे जुड़ी हुई होती है, या आगे की तरफ खुली हुई होती हैं तथा पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती हैं, तथा यहाँ पर इसे बंटवारा करने वाला यहाँ पर एक प्यूबिस सिम्फेसिस नाम का जंक्शन होता है। तो जहाँ से ये जुड़ी होती हैं पीछे पे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्यूबिस सिम्फेसिस। इसे क्या बोलते हैं, प्यूबिस सिम्फेसिस इसका नाम है। इसका नाम जहाँ से ये दोनों हड्डियाँ जुड़ी होती हैं इसे बोलते हैं प्यूबिस सिम्फेसिस, तथा जो ये हड्डियाँ हैं इसका क्या नाम है, कॉक्सल बोन। इसका क्या नाम है, कॉक्सल बोन। इधर का भी हड्डी का नाम क्या हो जाएगा, कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन। तो एक हड्डी ये हुआ, एक हड्डी ये हुआ, तो दोनों हड्डियाँ मिलकर दो हड्डी का निर्माण करती, तो पेल्विक गिडल में दो हड्डियाँ पाई जाती हैं, तथा यह एक कॉक्सल बोन तीन हड्डी से मिलकर बना होता है। उसका इसमें नाम हम लोग मतलब नहीं, उसकी संख्या ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इतना जानते रहेंगे कि यह एक पेल्विक नहीं, जो एक कॉक्सल बोन होता है वह तीन प्रकार के हड्डियों से मिलकर बना होता है। एक का नाम क्या होता है, इलियम। इसका नाम है इलियम। इसका नाम है इस्चियम। इसका नाम है इलियम। इसका नाम है इस्चियम। इसका नाम है प्यूबिस, प्यूबिस। तो यहाँ पर ये एक कॉक्सल बोन तीन हड्डी से मिलकर बना होता है, तो इसका भी नाम होगा इलियम, इसका भी नाम इस्चियम, इसका भी नाम प्यूबिस। लेकिन इसकी संख्या को हम लोग ऐड नहीं करते हैं, केवल जो पेल्विक गिडल होता है इसमें हड्डियों की संख्या दो होती है। हड्डी का क्या नाम है, कॉक्सल बोन, इस साइड भी पाया जाता है, इस साइड भी पाया जाता है। और यह जो होता है जहाँ से जुड़ा होता है उसे प्यूबिस सिम्फेसिस बोलते हैं, या पीछे की तरफ जुड़ा होता है तथा आगे की तरफ ऐसे खाली रहता है। तो दोस्तों हमने अपेंडिकुलर बोन के बारे में जान लिया, तो बस आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक्सियल बोन होता है जिसकी संख्या 80 होती है उसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।